शामिल करते हैं पिंडादन खान से। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार की हदायत पर एसी ऑफिस पिंडादन खान में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद। अवामी और समाजी हल्कों ने शहर भर में नाजायज तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पेश कर दी। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर पिंडादन खान मियाँ मुराद हुसैन ने कोकारा ने रेवेन्यू से मुतालिक अवाम के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडादन खान मियाँ मुराद हुसैन ने कोकारा ने इस मौका पर स्टाम्प फ्रोज को कंप्यूटराइज्ड एसी ऑफिस पिंडादन खान में हर माह की पहली तारीख को हस्ब रवायत रेवेन्यू से मुतलका खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ मुराद हुसैन ने कोकारा ने अवाम के मसाइल सुने और मुतद्दद मामलों पर उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में तहसीलदार नायब तहसीलदार पटवारियों समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। समाजी कारकुन मलिक मुस्तफ़ा मिठू ने इस मौका पर कहा कि खुली कचहरियों का इनेकाद ओपन होना चाहिए और इस कचहरी के बाद उनसे दो दिन पहले अवाम में तशहीर होनी चाहिए। इस मौका पर मलिक मुस्तफ़ा मिठू ने कहा कि स्टाम्प फरोशों के भी रेट फिक्स होने चाहिए। 100 रुपए का स्टाम्प 500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मिर्ज़ा, आलमगीर न्यूज, पिंडादन खान। और शामिल करते हैं मंचनाबाद से। मंचनाबाद में प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। मंचनाबाद में उबैदुल्ला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने हुकूमती अहकाम को हवा में उड़ाते हुए गर्ल्स और बॉयज क्लासेस का आगाज कर दिया। जिला बहावल नगर की तहसील मंचनाबाद का अनोखा कॉलेज अनोखे रूल। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद मोहम्मद अकमल ने बरवकत एक्शन लेते हुए बिल्डिंग को फौरी तौर पर सील कर दिया और हुकूमती अहकाम की पासदारी न करने वालों के खिलाफ थाना मंचनाबाद में मुकदमा दर्ज कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वजारत खजाना ने उगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से भेजी गई समरी पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से 1 दिसंबर से सिवाय हाई स्पीड डीजल के दीगर तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे न करने का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रूपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 100 रूपए 69 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 62 रूपए 88 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत 65 रूपए 29 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई। उगरा ने समरी वजारत खजाना को अरसाल करते हुए कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफा करने की सिफारिश की थी। इससे कबल हुकूमत ने 15 नवम्बर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। बच्चा में कहते हैं हवेली लखा से। हवेली लखा मोबाइल मार्केट में दो ग्रुपों में सबका रंजिश की बिना पर झगड़ा। उमर और शहरोज की वजह से 10-12 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था। शहरोज अपने मोबाइल की शॉप पर बैठा हुआ था कि अचानक उमर नामी शख्स ने साथियों समेत हमला कर दिया और उमर ने फायर किया, जो कि राहगीर मोहम्मद मंशा उम्र 15 साल जख्मी हो गया, जबकि एक बच्चा भी मामूली जख्मी हुआ, जिसे लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेलम में आज मजीद 17 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत मौसूल हुई। इस वक्त जेलम में 105 कोरोना वायरस से मुतासर मरीज हैं, जिनमें कोरोना वायरस बीमारी की कोई अलामत नहीं है। इन अफराद को घर में आइसोलेट किया गया है। इस वक्त कोरोना वायरस के 13 मुमकिन मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज। मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। महकमा सेहत जेलम ने गुज़िश्ता रोज तक कोरोना वायरस के मुश्तबा 35,704 अफराद के नमूने लेकर लेबॉरेटरी भिजवाए हैं, जिनमें से 711 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत मौसूल हुई। अब तक 593 कोरोना वायरस से मुतासर मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। जेहलम में अब तक कोरोना वायरस से 10 अमवात हो चुकी हैं। राजा बिलाल, आलमगीर न्यूज, जेहलम।